निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल अगर ये सब मिलकर के आप उन चीज़ों के ऊपर कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से योजनाओं में मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया है कि जिला कलेक्टर के साथ प्रति माह ये वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। बहुत कमिश्नर आई थी और सारे बाकी के सभी जो सचिव प्रभारी हैं वो आज जो वीसी हुए मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में वो उसमें विशेष रूप से चार पांच स्कीमें थी वो पहले से आइडेंटिफाई होकर आई थी, जैसे निःशुल्क दवा योजना है और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उसको सर्टिफिकेट जारी होने की बात है, पालनहार योजना है, सामाजिक जो पेंशन है वो है, इस तरह के जो थे वो आइडेंटिफाइड थे, उनकी तैयारी पहले कर ली थी और उनकी वीसी में सबसे पहले उन्हीं की चर्चा हुई थी, बेसिकली उसी में पूरा समय निकला है। अन्य योजनाओं की कोई अभी नहीं हुई, लेकिन अगर भविष्य में हो सकता है अन्य योजनाओं की वीसी हो या वीसी नहीं हो तब भी रेगुलर उनको मॉनिटर करके डिस्पोजल करने के निर्देश दिए गए हैं। अजमेर संभाग की बात करें तो किस तरह का जो है मॉनिटरिंग? अजमेर संभाग में दो जिलों में नागौर में दो तीन मुद्दे बार बार आए थे और लेकिन उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई पर्टिकुलर केस में बहुत ज़्यादा ऐसी बात नहीं हो, लेकिन उनका भी अभी डिस्पोजल वीसी के कारण हुआ हो या वैसे हुआ हो उनका आज की तारीख में काफ़ी उनका निस्तारण कर दिया है। एक दो मुद्दे अजमेर संबंधित हैं, उसमें एक नरेगा का से का मामला भी था, जॉब कार्ड संबंधित था, उसकी भी हम जांच कराएंगे कि उसमें फैक्ट शायद कुछ गलत या तोड़ मरोड़ के पेश किए गए हैं जवाब में, तो कलेक्टर साहब है ना उसको जाँच करा के देखेंगे कि ये ऐसा कैसे हुआ और उसकी जो भी कार्रवाई होगी उस पर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा पानी बिजली को लेकर भी कोई पानी की समस्या को नहीं, आज पर्टिकुलरली वीसी इन्हीं योजनाओं संबंधी थी, कोई डिपार्टमेंट की अलग से कोई नहीं था, तो आगे अगर वीसी होगी या जो भी होगा आगे पता लगेगा। मंथली वीसी होगी? मंथली वीसी का इंडिकेशन आया है अभी, तो मंथली वीसी हो सकती है, होगी तो मंथली बेसिस पे होने से और ज़्यादा अच्छा काम होगा कि जितनी मॉनिटरिंग होती है उतना जो डिस्पोजल है वो ज़्यादा अच्छा होता है समस्याओं का।